आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिम्फायड ऑर्गन्स। हमने बहुत सारे जो है चीजों को इस जो है टॉपिक के अंदर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। यहाँ पे हमको केवल बात करनी है लिम्फायड ऑर्गन्स के जो है बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि लिम्फायड ऑर्गन्स होते क्या हैं। ये इसकी डिफिनीशन को समझें कि दीज आर Those organs were in origin and are maturation and proliferation of lymphocytes occurs। इसका मतलब क्या है कि ये वो ऑर्गन्स हैं जिनके अंदर लिम्फोसाइट्स की उत्पत्ति होती है, मैच्योर होते हैं या फिर उनका विभेदन होता है। तो जिन ऑर्गन्स के अंदर लिम्फोसाइट सेल्स की ओरिजिन, मैचुरेशन या प्रोलिफरेशन होता है उसको हम जो है लिम्फोसाइट्स या लिम्फॉइड ऑर्गन्स के रूप में जानते हैं। अब बात आती है कि ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो है कितने तरह के होते हैं। इनको हम अपने अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में विभेदित कर लेते हैं। एक को हम कहते हैं जो है प्राइमरी और दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर जो है बोन मैरो और थाइमस जो है बोन मैरो और थाइमस को हम जो है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहते हैं। और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं क्या? स्प्लीन, लिम्फॉइड नोड्स, माल्ट, इसको जो है म्यूकोसा, एसोसिएटेड लिम्फॉयड टिश्यू कहते हैं। टिश्यू ये इसके साथ जो है टॉन्सिल, पैचेज ऑफ इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स। इनका जो है स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी आपको बना रखा है। ये जो है थाइमस है, ये बोन मैरो है, ये प्राइमरी जो है लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं और बाकी स्प्लीन, लिम्फैटिक नोड, अपेंडिक्स, टॉन्सिल्स ये सब जो है सेकेंडरी ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। अब बात आती है कि ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या हैं और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या हैं। तो यहां पे समझिए कि जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं ये वो ऑर्गन्स हैं जहां पे जो है इन लिम्फोसाइट सेल्स की ओरिजिन होती है। लिम्फोसाइट्स सेल ओरिजिनेट नेट एंड मैच्योर मतलब प्राइमरी लिम्फॉइड्स ऑर्गन्स के अंदर लिम्फोसाइट सेल्स ये जो है इनकी उत्पत्ति होती है और साथ ही साथ ये एंटीजन्स
सेंसिटिव बनते हैं, सेंसिटिव, एंटीजन सेंसिटिव बनने का मतलब क्या है, मैच्योर होना। तो ये जो है प्राइमरी लिम्फोइड का काम होता है। जब ये जो है मैच्योर हो जाते हैं तो ये यहां से मूव करते हैं कहां पे, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट करते हैं। अब बात आती है कि ये जो सेकेंडरी जो लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं इनका क्या रोल होता है, तो ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट एंड एंटीजेंस, ड्यू टू विच क्या होता है, एक्टिवेशन होता है, एक्टिवेशन, और ये जो है इफेक्टर सेल्स के अंदर बदल जाते हैं, इफेक्टर सेल्स के अंदर जो है बदल जाते हैं। तो ये जो है केवल साइट्स प्रोवाइड करती हैं जहां पे एंटीजेंस के साथ लिम्फोसाइट्स इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट की वजह से फिर ये जो है क्या हो जाता है, एक्टिवेशन जो है उनका हो जाता है, और साथ ही साथ प्रोलिफरेशन भी हो जाता है, प्रोलिफरेशन, वो डिफरेंशिएशन करना शुरू कर देते हैं किसके अंदर, इफेक्टर सेल्स के अंदर। अब हम जो है पर्टिकुलर एक एक जो है स्ट्रक्चर के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। यहां पहला स्ट्रक्चर है क्या, बोन मैरो। ये जो है बेसिक लिम्फोइड ऑर्गन है, बेसिक जो है लिम्फोइड ऑर्गन है। करता क्या है, इसके अंदर सभी तरह की ब्लड सेल्स पैदा होती हैं, ब्लड सेल्स प्लस लिम्फोसाइट्स इसके अंदर जो है ओरिजिनेट होती हैं, मतलब जो है उत्पन्न होती हैं सभी तरह की जो है ब्लड सेल्स और लिम्फोसाइट्स। दूसरा जो स्ट्रक्चर है ये थाइमस। ये थाइमस जब बच्चा पैदा होता है उस समय बहुत बड़ा होता है, लेकिन ज्यो ज्यो वो मैच्योर होता है इसकी साइज घटने लगती है, और प्यूबर्टी पे आते आते ये बहुत ही छोटा जो है हो जाता है। ये थाइमस जो है ये बोन मैरो के साथ मिल करके माइक्रो इन्वायरमेंट्स प्रोवाइड करता है, एनवायरमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। इसको जो है पॉइंट करते रहिए। तीसरी चीज स्प्लीन। ये जो है बीन सेट स्ट्रक्चर है, ये कंटेन करती है क्या, धारण करती है फैगोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, और साथ में क्या करती है, एक्ट करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न हो रहे हैं उनको ये फिल्टर करने का कार्य भी करती है, और साथ ही साथ इनके साथ ये जो है लार्ज
लार्ज रिजर्वायर का भी काम करती है, लार्ज रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। यहां इसको मार्क करिए, ये जो है बहुत बड़ा रिजर्वायर की तरह से काम करती है। एरिथ्रोसाइट्स ये रेड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, तो इनको एक जो है स्टोर करने का भी कार्य करती हैं। और स्प्लीन को हम कब्रगाह भी कहते हैं, जहां कब्रें दफनाई जाती हैं, उसी तरह से ये एरिथ्रोसाइट्स भी यहाँ पे जो है दफनाई जाती हैं। इनकी जो है डिसइंटीग्रेशन जो है वो होता है, तो इसको हम कब्रगाह के रूप में भी जो है जानते हैं। इसके साथ जो है लिम्फॉइड नोड्स, लिम्फॉइड नोड्स के बारे में जानते हैं। ये लिम्फॉइड नोड्स क्या है, ये एक सॉलिड बॉडी होती है, सॉलिड बॉडी जो कि लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर जगह जगह जो है रहती है, लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर जो है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये लिम्फ अथवा टिश्यू फ्लूइड के अंदर, जो माइक्रोब्स हैं अथवा एंटीजेंस हैं उनको ये फिल्टर करता है। जब फिल्टर करता है तो फिर क्या है कि यहां पे जो मौजूद हैं लिम्फोसाइट सेल, इनको ये जो है क्या एंटीजेंस क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। और फिर ये क्या करता है, इम्यून रिस्पांस देता है, इम्यून रिस्पांस। यहां समझिए कि ये जो लिम्फॉइड, जो लिम्फेटिक नोड्स हैं, ये लिम्फेटिक नोड्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये सॉलिड बॉडी होती है और लिम्फ के या टिश्यू के अंदर ये जो माइक्रोब्स हैं या एंटीजेंस हैं उनको फिल्टर करते हैं। और फिल्टर होने के बाद जो एंटीजेंस है वो लिम्फोसिटिक नोड के ऊपर जो लिम्फोसाइट्स मौजूद हैं उनको एक्टिवेट करता है। और जब ये एक्टिवेट होते हैं तो फिर ये इम्यून रिस्पांस जो है देने का कार्य करते हैं। तो ये जो है लिम्फेटिक का कार्य होता है। पांचवा चीज यहां पे समझें कि कुछ म्यूकोसा सेल्स जो है, लाइनिंग के अंदर कुछ जो है स्पेशल ट्रैक्ट हैं बॉडी के अंदर, जैसे रेस्पायरेटरी पायरेटरी इसके साथ जो है गैस्ट्रो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टाइनल, साथ ही यूरो जेनाइटल, ये जो ट्रैक हैं इनकी जो लाइनिंग है उसके अंदर भी कुछ म्यूकोसा सेल्स जो है मौजूद रहती हैं। और ये म्यूकोसा सेल्स जो है निर्माण करती हैं किसका, माल्ट का। और ये माल्ट जो है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोसाइट टिश्यूज है। और ये लगभग लगभग 50% जो है लिम्फॉइड ऑर्गन्स का निर्माण करता है। तो इस तरह से हमने जो है बेसिक चीजों को कवर किया लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर।